बर्फबारी के चलते यहाँ पारा गिरा हुआ है, टेम्परेचर बहुत ही कम है। श्रीनगर में तो तापमान -6 डिग्री तक चला गया है। कश्मीर में ठंड जम कर पड़ रही है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके शहर नोएडा का मौसम। मौसम वैज्ञानिक द्वारा सटीक अनुमान, खिलेगी धूप या कोहरा करेगा परेशान, या फिर छाएंगे बादल और होगी बारिश। तो बता दे दोस्तों, अभी बारिश के आसार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 23 से लेकर 25 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। जी हाँ, नोएडा में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैदानी इलाकों में बर्फबारी क्यों नहीं होती है टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी। तो बता दे, हिमालय पर बर्फबारी होने के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की ओर जाती हैं, लेकिन यह हवा शुष्क होती है, मतलब ड्राई होती है, जो बादल और बर्फबारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैदानी इलाकों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती है। इस तरह से उत्तरी मैदान जैसे नोएडा, दिल्ली, NCR में कड़ाके की ठंड लग रही है, बट यहाँ आग तो ताप सकते हैं लोग। धूप में लोग निकल सकते हैं, देख सकते हैं महिलाएं पार्कों में घूमती दिख जा रही हैं सुबह सुबह। कई लोग इस कड़ाके की ठंड में धूप के लिए भी तरस जा रहे हैं। लोग पंछियों को लेकर बैठे हुए हैं पार्क में, मैदानों में, और धूप भी ले रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों को माने तो नोएडा में ठंड पूरी जनवरी तक रहेगी और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।